हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं परतवाड़ा महाराष्ट्र के सभी रहनिवासी, जो इस बैसाख के महीने की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय नंद किशोर जी बालबद्धालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देव का भाई नंद किशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल परतवाड़ा से एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े आनंद से ये बैसाख के पवित्र महीने में शिव महापुराण की कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 7 दिन की कथा में मेरे देव अधिदेव महादेव के भगवान शिव के स्वरूपों का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। एक मनुष्य देह, एक मानव का शरीर, जिसमें पुण्य भी बहुत है और जिसमें पाप भी बहुत है। अब पसंद आपकी और हमारी होना चाहिए कि हमें पुण्य पसंद आ रहा है कि पाप पसंद आ रहा है। हम कितना पुण्य कर रहे हैं और हम कितना पाप कर रहे हैं। जितने भी संसार के लोग हैं ना, ये अपने पुण्य को तो गिनते हैं कि मैंने गौ माता को रोटी दी, गाय को रोटी दी, मैंने पुण्य किया। बोलो सही बात है कि गलत है? मैंने भूखे को भोजन कराया, मैंने पुण्य किया। दुनिया के लोग अपने अपने पुण्य को गिनने में लगे हुए हैं कि हमने गौ माता को रोटी दी, पुण्य कमा लिया, हमने कथा सुन ली, पुण्य कमा लिया, हमने शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दिया, पुण्य कमा लिया। ये जितना संसार का मनुष्य है, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने पुण्य को देखता कि हमने ये पुण्य कमाया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी पुण्य के साथ में पाप का भी एक प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी पुण्य के साथ में हम पाप भी कर बैठते। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। सबको मालूम है जितने यहाँ बैठे हो परतवाड़ा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है। झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सत्य बोलना।
सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है पर सबसे आखिरी में गौ माता के मुंह में जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसके घर में पहली रोटी बनी और गाय के मुख में पहले ही चली गई, पर हम तो नहीं कह सकते। बोलो री जी जीओ परतवाड़ा की, सत्य है कि गलत है? और मेरा विश्वास कहता है एक भी जीजी मेरी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो सत्य ही बोलेगी कि पहली रोटी गाय की बनती है। पर महाराज जी वो रोटी सबसे पहले गाय के मुख में नहीं जाती है, डब्बे पर रखी रहती है, फिर धीरे धीरे घर का पूरा फैलारा उड़ जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं, भोजन करके चले जाते हैं, तब दोपहर में या शाम के 3-4 बजे जब गाय आती है तब वो रोटी उसके मुख में जाती है। बनी कब थी? सबसे पहले। गई कब? सबसे आखिरी। अब रोटी में चीटी हो गई, पानी पड़ गया, थोड़ी कड़ली ठट हो गई, थोड़ी सूख गई, उस पे जो सब्जी या शक्कर या गुड़ रखा था वो भी चीटियों ने घेर लिया, आखिरी में वो गौ माता के मुख में गई। अब पहली रोटी ही अगर बनी थी और वो गाय माता के मुख में चली जाती तो पुण्य 4 गुना मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा, मिलता ना। पर वो गौ माता के मुख में आखिरी में गई है, जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गंवा दिया, जवानी गंवा दी, अधेड़ी गंवा दी, पर जो आखिरी बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है, तो किस काम? उस रोटी का मतलब क्या? और बचपन खेल में होया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, रोटी ताजी थी भगवान को नहीं दी, रोटी ताजी थी परमात्मा को नहीं दी, शरीर अच्छा था जब भगवान को नहीं दिया, और जब रोटी पूरी गल गई शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे नहीं दे, मुंडा में सारा सोपा सेट निकल गया, बत्तीस सोफा सेट थे एक भी नहीं बचा, सारा निकल गया, किसी किसी ने तो नकली साजड़ का लगवा रखा है, किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रिज में कटोरी में रखा रहता है। एक बार किसी का सोफा सेट, बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोट एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सही, पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी 32 ही थी, पूरे दान। और बड़े बड़े विषय चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है, चाबी की याद कब आती है? ताला
खोलते समय चश्मे की याद आती है, अखबार किताब पढ़ते समय, दांत की याद आती है खाते समय, और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता है परमात्मा को, अंत समय में, तो भी मेरा परमात्मा तुम्हें निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं, अंत समय प्रभु आना पड़े और वचन दिया निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब वचन दिया तो निभा। अंत समय में उस परमात्मा की याद आ रही, अंत समय, और तो भी निभा रहा। किसी ने गौ माता से पूछा, गौ माता एक बात बताओ, सबसे पहली रोटी घर में बनती है और सबसे आखिरी में तुम्हें मिलती है, तुम दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो? सब चाय पी लें, बहुएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी ले और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देखी आई, बोलो जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकती, आखिरी में तो सास कह ही देती है तुम ही ढसक लो। तुम ही चर लो, तुम ही खा लो, अब याद आई मेरी याद अब कर रही हो, जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई तो तुरंत गर्म करके लाके मेरे को दे दी। सास अब शब्द कह सकती है, किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा ले उसके बाद दिया जाए तो वो भी अब शब्द कह सकता है, पर गौ माता कहती है कि मुझे पहले बनी हुई रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो भी गौ माता कहती है तो भी मैं, जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है, जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ, वो गौ माता का। भले तुम बाद में दिए तो भी उसने कल्याण कर दिया। कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं, मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे और कितना कितना भस्मी जमा लें और कितना दिखावा करते हैं आज के ज़माने में, आप कुछ कहते नहीं हो? हमने कहा क्या कहें, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुना देता, पूरे अध्याय 18 के तो भगवान को सुना,
गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ पढ़ देता और सुना देता, भगवान को पाठ करके सुनाता। अठारह साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होते से ही नारायण ने कहा, क्या मूर्खता कर रहा है, रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है, बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है, मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूंगा तो मूर्ति क्या सुनेगी, पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है, तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं, कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे सो राम निकल गया तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो, पर जपो, आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं, तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया, जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं, कैसे भी जाए, यहाँ शास्त्र कह रहा है, तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान। कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर तो जाओ, तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे तो पहुंचो, तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो और भगवान को देते हो। तीन दान बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान, जलदान। जल का दान, इसलिए आप लोगों से हम हर कथा में कहते हैं कि अपने घर से आना तो पानी की कितनी बॉटल लाना, दो। साथ में क्या लाना, छाता। साथ में क्या लाना, बिछाने का और ओढ़ने का। मान लो टेंट में जगह नहीं मिले तो अपनी चादर बांधी बैठ गए, छाता लगाया बैठ गए। पानी की दो बॉटल लाने का इसलिए कहते हैं कि एक बॉटल का जल तो तुम पी लो और दूसरी बॉटल तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। कौन कौन, जम के बोलो, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। इनको वो पानी अगर प्यास लगे तो अपने घर से जो जल भर के लाए हो वो इनको दो। एक जनी ने पूछा, गुरुजी तुम पीछे वाली को धड़ोसन क्यों कहते हैं? हमने कहा, कुछ भी गलती करेगी ना धम्म से एक दे, इसलिए उसका नाम धड़ोसन। अब तुम जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है, आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन।
आपने देना सीख लिया। एक लोटा जल भरते हो और एक लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो, तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ भी फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते नहीं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो, भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर करता। एक व्यक्ति शहर में ठाकुर जी का, भगवान का दर्शन करने के लिए गया। भगवान के दर्शन, और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, वहां के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहां के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोलो एक बार प्रेम से, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। फिर से बोलो एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोलो, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। उसने सुना, बड़ा अच्छा लगा, याद करके गांव में पहुंच गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो सारे गांव वालों से कहा, आज मैं लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा, ऐसी स्तुति सीख के आया हूं, सबको सुनाऊंगा, सब याद कर लेना हो। और जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ा रहा था, सबको सुना सुना कर गा रहा था, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना क्या था, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब बोल क्या रहा है, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब वो जल चढ़ाता जाए और सबको सुनाता जाए, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे। बस तीन चार बार वो बोला, और जैसे उसने तीन बार ताली बजे, वो बोला बम बम बोले। जैसे ही बोला तो मैंने भोले सामने खड़े हो गए, शंकर भगवान सामने। ये घबरा के पीछे भग गया, तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं भोलेनाथ, इतने दिन से तो कभी नहीं आए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, इतने दिन से मेरे नयन में चरण भी नहीं अटके थे, पहली बार अटके, इसलिए मैं भी आया। भक्त बोला, मैंने गलती कर दी। शंकर भगवान बोले, पूरी गलती, तुझे बोलना था चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा नयन कमल में चरण अटके। अब मेरे नयन छोटे, तेरे चरण मोटे, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा? प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, कर दिया, पर मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो मांगूंगा दे दोगे? भोलेनाथ जी कहने लगे, बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो भी तुम्हारी उल्टी सुल्टी स्तुति करे उसको भी दर्शन दे देना, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मांगू तो मांगू क्या? तेरे दरबार से बाबा क्या मांगा जाए, उसकी चौखट पे जाकर क्या मांगे, बस इतना मांग ले कि तेरा दीदार होता है। केवल तेरा दर्शन होता है, केवल तेरा।
अच्छा बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है। मंत्र आया ठीक, नहीं आया ठीक, नाम तो भोलेनाथ जी का ले रहे हो। शिव की स्तुति में आप जैसा भजना चाहो वैसा मिल जाए। शंकर भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। तुम्हारे दुनिया के लोग कितना भी आडंबर कर लें, 4 घंटे तक खूब जो आडंबर करना करो, एक साधारण सा भगत आता है, एक लोटा जल लाता है, शिव जी को चढ़ाता है, बेलपत्री धोता है, वही बेलपत्री शिव जी को चढ़ा देता है, मंदिर की सफाई कर देता है, मंदिर का श्रृंगार कर देता है, उन्हीं चढ़े हुए फूल से ही भगवान को वापिस सजा देता है। वो अपने साथ फूल भी नहीं लाया, जो थे उसी को उठा लिया और वापिस भगवान का श्रृंगार कर दिया। इतने में तो भी मेरा शंकर प्रसन्न है। एक पत्र है, पायल प्रशांत दहके रहवासी अकोला के हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों। आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? आया है, लिया हो, लिया। पायल प्रशांत दहके रहवासी अकोला के हैं, मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, मुझे संतान का कोई सुख नहीं था। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते थे वो डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। बहुत इलाज करवाया, आखिरी में इलाज करवा करवा कर थक गए तो परिवार वाले भी अपशब्द कहने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक बार केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपके आंकड़े की जड़ का बांधने का प्रयोग मैंने करा। गुरुजी, दुनिया के लोग आपको ताना भी देते हैं, गाली भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, आड़े टेढ़ा भी बोलते हैं, पर सत्य बताए ना गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। हम आपके मुख से श्रवण करते हैं ऐसा लगता है शंकर हमको कथा सुना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मात्र 5 मिनट का श्रवण करा और वो उपाय मैंने करा। अकोला में आपकी कथा थी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तेरे यहाँ संतान नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमने हर डॉक्टर का इलाज करवाया, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहाँ इलाज ना करवाया, बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की दया से मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और मेरे घर में भगवान भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमने हमारे बेटे का नाम गुरुदेव शिव रखा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बाबा से बस एक बेलपत्र की चाह करती हूँ। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति इसने एक बात बहुत अच्छी लिखी दीदी ने, ये दीदी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा, ना मुझे यज्ञ आता है, ना मुझे अनुष्ठान आता है, ना मुझे तप आता है, ना मुझे साधना आती है, ना मुझे व्रत आता है, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, उतना ही काफी। आप पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो, उतना ही काफी। बधाई। बाबा जी शंभो, शिव तत्व की प्राप्ति।
और जब तक शंकर कृपा आपको कोई साधना की बहुत बहुत देर तक नेत्र बंद कर बैठ गए, जप रहे हो, साधना कर रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे हुए हैं और मन स्थिर नहीं है, भोलेनाथ नहीं मिल सकता। शिव महापुराण की कथा तो केवल इतना कहती है कि एक लोटा जल भी चढ़ाओ ना तो तुम्हारे मन को, जब तक जल चढ़े तब तक तुम्हारा चित्त मेरे बाबा में होना चाहिए, उतनी देर का जप भी तुमको पार कर सकता है, एक क्षण का जप भी तुम्हें एक पत्र है। मेरा नाम संगीता आकुलकर है, कहीं बैठी हो संगीता जी आकुलकर, मेरा नाम संगीता आकुलकर है, मैं जिला अमरावती तहसील चांदूर बाजार में कान करहा की रहने वाली हूँ, चांदूर बाजार करहा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, पति आए हैं के साथ में, पति आए हैं साथ में, हिलाओ हाथ, आए ठीक है। मैं जिला अमरावती तहसील चांदूर बाजार की रहने वाली हूँ, मेरा नाम संगीता आकुलकर है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई और हमने नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया, पत्र को आप एलईडियों पर पढ़ सकते हैं, नागपुर के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच की और उसमें ब्रोन कैंसर बताया, जब बोन कैंसर बताया सुनने के बाद हम पांव के नीचे से जमीन खसक गई गुरुदेव, और मेरे जमाई हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सब डॉक्टरों ने 2 महीने की गारंटी बताई, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, बोन कैंसर था पूरे शरीर में फैल चुका था। एक डॉक्टर के पास कीमो चालू किया और फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, हमने कथा सुनी, आपने उस कथा में कहा था कि शंकर को चढ़ाया गया जल और एक रुद्राक्ष का जल शंकर को जो समर्पित करते हैं उसका पानी पीने पर रोग से निवारण होता है। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाने से रोग का निवारण होता है। पहले विश्वास नहीं हुआ, मेरे दामाद को भी विश्वास नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है, पर हमने तुरंत केवल एक कीमो लिया, उसके बाद कीमो ना लेकर हम सीधे घर आ गए और हमने शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष मंगवाया उस रुद्राक्ष के जल को पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि हमने जब दूसरी बार जांच कराई तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया था, मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए आई। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप भी साथ में गुनगुनाएंगे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, जो शिव की आराधना कर रहा। जो शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर डूबा हुआ, एक लोटा जल आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ तो तुम्हारी चित्त और वृत्ति दोनों शिव में होना चाहिए। कई घंटों का बैठ कर जप तप करने का हम नहीं कहते, हमने आज तक अपने व्यासपीठ से नहीं कहा कि बहुत घंटों तक बैठे रहो, हम तो कहते हैं जितनी देर जल चढ़ा उतनी देर मन भरा जाओ। ठीक
और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे अपने लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो। अब बहुत घंटों तक भगवान के पास नहीं बैठना है हमको, केवल जब जल चढ़ा रहे हो एक क्षण की चित्त वृत्ति शिव से जोड़ लें, एक क्षण बस हमारा शंकर का हो, शंकर हमारा। पहले की शादियों का स्मरण करेंगे, हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, पुराने समय की शादी और आज की शादी में अंतर है। आज के जमाने में लड़के को लड़की दिखाई जाती है, लड़की को लड़का दिखाया जाता है, होटल में मिलाया जाता है, बात पक्की करी जाती है, फिर रात्रि को 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फोन पे बातचीत। बोलो सही है? अरे बोलो तो ठीक है। 2-3 महीना कम से कम बात चलती है, दोनों एक साथ घूमने भी जाते हैं। फिर आजकल तो वो कौन सी एक वो हो गई है भगवान, जिसमें फोटो खिंचवाते हैं बहुत सारे, प्री वेडिंग, फिर उसमें भी मिलते जुलते हैं, इतने फोटो खींचे ढेर सारे, 2:30-2:30 बजे तक लगे रहे, 2:30-2:30 बजे तक लगे रहे और 2.5 साल नहीं टिक पाए। 2.5 साल में अदालत में केस पहुंच गया, जो इतना अच्छा लग रहा था कि तुम्हारे बिना रे नहीं सकती, अब उससे कहती तेरा मुंह नहीं देख सकती। जिसका एक मैसेज नहीं आता था तो रोटी नहीं खाती थी, अब वो अदालत में कहती है कि ये मेरा दहेज खा गए। अब जरा विचार करिए, एक आज की शादी और एक पुरानी शादी। आज के जमाने में इतना मिला, 2.5 महीने 3 महीने 5 महीने मिले, फोन पे बात करी, होटल में मिले, खाना पीना, चाउमीन पाव भाजी छम्मक लड्डू पानी पतासा सब कुछ खाया पिया, ये आज की शादी है तो 2.5 साल नहीं टिकी। और एक पुरानी शादी, न लड़के ने लड़की को देखा था, न लड़की ने लड़के को देखा था, केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आई थी, नीचे रखी, इतनी देर में लड़के ने लड़की को देख ली, लड़के ने लड़की को देखा, दोनों की निगाह मिली, लड़की अंदर चली गई, ना पूछा ना ताछा, विवाह पक्का हो गया। और आज तक देख लो, आज तक वो विवाह हमारे श्री ओम प्रकाश जी को देख लो, हमारे श्री प्रकाश नंद किशोर जी को देख लो, अभी तक टिका है। ओल्ड इज गोल्ड। और यहाँ कई मेरी माताएं बैठी है कुर्सियों पे, बुजुर्ग बुजुर्ग इतना तपल्लू ले लेके बैठी, इनसे पूछो आज तक टिका, वो संबंध आज तक टिक रहा है, जिसने देखा ही नहीं था, जो मिला ही नहीं था, ना फोन पे बात हुई थी, ना कोई व्यवहार, केवल एक क्षण निगाह मिली और विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निभ रहा है। मेरे शंकर भगवान की कथा भी ये कहती है, घंटों तक महादेव के पास नहीं बैठना, बस एक क्षण नेत्र मिला लो, तुम शिव के और शिव तुम्हारा हो, तुम शिव के और शिव तुम्हारा, एक क्षण बस केवल देखा, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की बड़ी यार जो थी मुलाकात की, मेरे महादेव से एक क्षण की मुलाकात कर लीजिए, एक क्षण मेरे देव अधिदेव महादेव को एक क्षण देख लीजिए। जब जल चढ़ाओ
तुम्हारी चित्तवृत्ति शिव में हो, जब जल चढ़ाओ तुम्हारा मन शंकर में, फिर कहीं नहीं देखना। पड़ोसन कुछ भी कह रही हो, पड़ोसन कुछ भी कर रही हो, आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, अपन अपना काम करो, जल चढ़ाया, भगवान का श्रृंगार करा, मंदिर का पूजन करा। कई कई माताएं झगड़ा भी करती है, अब भी मैंने श्रृंगार करा था और तू पानी डाल के चली गई, मैंने अब भी श्रृंगार करा था तूने पानी डाल दिया। कई कई माताएं झगड़ा करती, नहीं, उसका काम है श्रृंगार करना, तेरा काम है श्रृंगार करना, सामने वाली का काम है पानी डालना। तूने श्रृंगार करा, तेरा काम तूने कर लिया ना, उसका काम वो कर रही है। अपने को नहीं टोकना कि तूने पानी क्यों चढ़ाया, मैंने श्रृंगार करा था ना, अपना काम अपन करो। अपन ने बाबा को सजा दिया, श्रृंगार कर दिया, उससे लाड़ लड़ा लिया, अब उसकी मर्जी, वो भोलेनाथ किसको बुलाता है, कौन से जल चढ़वाता है, ये उसके ऊपर। एक क्षण उसका मिलन हो जाए, एक क्षण, एक क्षण, केवल एक क्षण, और ज्यादा नहीं। वो हम एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, गाएंगे नहीं भाई, इसके गुनगुना लेंगे, हो हम पहले बहुत गुनगुनाते थे। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ ना। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ। ओ काशी के भोलेनाथ मने धरियात सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ मने धरियात सतावे, खींच क्या ना रोके भोलेनाथ, खींच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे। एक क्षण के लिए उसको याद कर लो, एक पल के लिए उसको याद कर लो, और केवल निगाह मिले उतनी देर में बहुत। महाराज वो कहते हैं ना, हम जितना ग्रहण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं उस पूरी समय में, और हम आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा होती है, पूरी 2.5 घंटे की कथा तुम्हारे दिल में नहीं बैठती है, पूरे 2.5 घंटे की नहीं बैठती, पर 2.5 घंटे में एक क्षण कोई ऐसा आता है जो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाती है, और तुम देव अधिदेव महादेव के हो जाते हो, और महादेव तुम्हारा हो जाते। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई जरूरी है क्या सबके हृदय में शंकर बैठेगा, हम कहते हैं पानी बरस रहा है बाहर निकले हो तो गीले तो हो गए, बस ये है कि अंदर तक गीले नहीं हुए तो बाहर से हो गए, कोई अंदर से हो गया कोई बाहर से हो गया। उसी तरह
शिव महापुराण की कथा अगर बरस रही है और जो कथा के पंडाल में पहुंचा है, जो कथा के पंडाल के सामने पहुंचा है, जो टीवी पर सुन रहा है, जो मोबाइल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो पंडाल के बाहर या अंदर बैठकर सुन रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में थोड़े ना थोड़े गीले तो जरूर हो गए, मेरा बाबा तुम्हारा कल्याण तो जरूर करेगा, निश्चित है वो करेगा जरूर, मेरा शंभू तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा ये पक्का, क्योंकि तुम थोड़े ना थोड़े उसमें रमे हो। महाराज बस इतना सा निवेदन है कि तीन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं आएगी, तीन लोगों से बचना। पहला लालची, दूसरा आलसी और तीसरा दोगला। जम के बोलो कौन कौन। तीन लोगों से बचने का प्रयास करना, पहला लालची, जिसके अंदर बहुत लालच भरा हो, नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मेरे पास में ये आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास में धन कमाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ना बाबू, लालच में कभी भगवान को मत रिझाना। अगर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो ना, तो ये सोच कर जाना, शिव पुराण में जा रहे हो ना, ये सोच कर जाना कि बाबा ने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिख के रखा होगा, इसलिए तुमको कथा में बुलाया होगा। शादी में पत्रिका छपवाते हो, पूरे परतवाड़ा को बांटते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, तुम्हारा मन होता है तुम उसका नाम लिखते हो, भैरू सिंह, राम किसान, रामलाल, ये कमलाबाई, बिमलाबाई, जो तुम्हारा मन पड़ता है तुम उसको बुलाते हो। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहीं मिल जाएंगे क्या? जम के बोलो, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहां पर आए हैं? नहीं, भगवान की डायरी में जिसका नाम होगा मेरा भोलेनाथ, उसको बुला लिया। इतने सारे लोगों को, परतवाड़ा वालों को, इतने सारों को शादी में नहीं बुला सकता कोई व्यक्ति, जिससे उसकी पहचान है उसको बुलाया जाएगा, जिसका उसको कल्याण करना है उसको बुलाया जाएगा, जिसको साड़ी देना है, जिसको गिफ्ट देना है, जिसको आजकल तो महिला संगीत भी अलग से होता है, महिला संगीत में भी उसको बुलाते हैं जिनको गिफ्ट देना होता है, नहीं तो बुलाते, और वो भी देख लेते हैं देवरानी जेठानी दोनों आई हैं तो हम एक ही देंगे, हो गिफ्ट देना है तो देख। माता पूजन के बुलाए हुए में बुलाया तो सोचकर, सत्यनारायण जी की कथा में बुलाया तो सोचकर, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, शादी की सालगिरह है 25वीं, कजन कौन सी जुबली बोलते हैं, है? हाँ सिल्वर, गोल्डन भी होती है, हाँ ठीक है, ऊपर होती नीचे होती है, अच्छा वही होती है, बुलाया। अब आप जान दो सिल्वर और गोल्डन, अपन तो ये बात करो कि शादी के साल गिरा है और उसमें तुमने बुलाया तो पूरे सबको बुला लिया, नहीं उसको बुलाया जो जो आएगा हम उसको रिटर्न गिफ्ट देंगे, तो रिटर्न गिफ्ट जिसको देना है, जिसको हमें सामान देना है, साड़ी देना है, उसी को बुलाया जाता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ अपनी शिव महापुराण की कथा में उसी को बुलाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देना होता है, रिटर्न गिफ्ट। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी गिफ्ट। एक पत्र है, मेरा नाम सुपूजा दुर्गेश गाडे है, मैं परतवाड़ा
आठवाड़ी बजा अठावाड़ी, आठवाड़ी ठीक तुम समझ जाना हो, मैं परतवाड़ा डेज 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 बाजार पेंशन पेंशनपुरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो आते ला सकते हो, आप ही हैं, बच्चा लाए हो साथ में, लिया लिया। मेरा नाम सो पूजा दुर्गेश गाठे, मैं परतवाड़ा डेज 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 बाजार पेंशनपुरा की रहने वाली हूँ। मुझे बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, कई साल शादी के हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, परिवार वालों ने मेरा हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, हम पति पत्नी की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, पर संतान का कोई सुख नहीं हो पा रहा था। तब शिवजी पे भरोसा करा, और सबसे ज्यादा भरोसा आप जो बताते हो तो आपकी वाणी पर करा। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद भी हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो हमारी कोई रिपोर्ट सही नहीं आई, फिर वापिस फिर पशुपति व्रत किया, और बाबा की कृपा से देवाधिदेव महादेव ने मेरा गर्भ बाबा के आशीर्वाद से ठहर गया। कुछ समय के बाद पता चला कि बच्चे की धड़कन ही नहीं है, एक तो इतने साल के बाद तो बच्चा हो रहा और बच्चे की धड़कन नहीं, घर में खुशी इतनी थी कि बच्चा आ गया, इतने साल के बाद बच्चा भगवान ने दिया, पर उसकी धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा मत रखिए क्योंकि इसकी धड़कन नहीं है, हम सब दुखी हो गए। तब मेरी सासू माँ ने हिम्मत देते हुए और भोले बाबा पर भरोसा करते हुए मेरी सासू माँ ने कहा तू चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अगर भोलेनाथ ने दिया है ना तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता, तू क्यों चिंता करती है। मेरी सासू माँ ने मुझे हिम्मत दी और हम बाबा पर भरोसा कर शंकर जी के मंदिर में बैठकर शिव जी को जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर उस जल को पीने लगे, बच्चे की धड़कन नहीं थी। दूसरी बार जांच कराने के लिए वापस हॉस्पिटल पहुंच गए, जब दूसरी बार जांच हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि बच्चे की धड़कन वापस आ चुकी थी, और बच्चे की धड़कन वापिस आ गई, और मुझे बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, और मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई, शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु भोघड़ी त्रिकालदर्शी शिव, जिसको रिटर्न गिफ्ट देना है बाबा को, बाबा उसी को बुलाता है, मंदिर भी उसी को बुलाएगा और कथा में भी उसी को। देता है तो ही बुलाए, नहीं तो देता नहीं। कई लोग आने के लिए तैयार, यहां पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो बाहर गांव से आई हैं, बाहर गांव से आने वाली माताएं जब चलती है तो रात्रि में प्लानिंग करती है कौन कौन चलेगा, उसमें चार पांच माताओं का नाम होता है, आते आते एक दो माताएं तो कम हो ही जाती है, उनकी जगह दूसरी आ जाती है, क्यों? क्योंकि बाबा को रिटर्न गिफ्ट नहीं देना होगा, इसलिए बाबा यहां तक बुलाता भी नहीं है। वो शिव है, वो घड़ी, वो शंभू, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी। कुछ देना होगा, कुछ करना होगा, कुछ प्रदान करना होगा, इसलिए वो खींच कर बुलाता है। दीदी बोल रही है इसका नाम हमने शिवांश रखा है, और बाबा की कृपा से हुआ है संभव। बधाई।
रामपुर अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया दिया लुटा दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले Thank you.
दिन लगाया सच्ची है उसके नाम नट की, जो लगन लगाया सच्ची है उसके नाम नट की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी फल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे फल भर की, जो लगन लगाया सच्ची लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी फल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे फल भर की, ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, जिसने है माँ का बेटा वो चाँद से टुकड़ा पाया, जिसने है माँ का बेटा वो चाँद से टुकड़ा पाया, कर दिया उसे माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी।
की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बड़े भाव से भगवान शिव से अपने मन की बात करो, बड़े भाव से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव के साथ में बोलिए। शिवाय नमस्तु पुराण की कथा कह रही है। तीन लोगों से बचने का प्रयास करना, लालची, आलसी और दोगले। जो आलस में डूबा रहता है ना, वो खुद भी काम नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो आलस में डूबा रहता है वो स्वयं भी भजन नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करता। जो लालच में डूबा होगा वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ धन जोड़ने की बात ही करे। और कितना भी धन मिल जाए, कितना भी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो धन हमें मिला है वो धन भी अगर सही मार्ग का हो, सतमार्ग का हो और श्रेष्ठ हो तो हमारा जीवन सही चल सकता है। तीन तरह का धन पचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है तीन जगह का धन बड़ी मुश्किल से पचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। तीन जगह का धन पचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। तीन जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा
बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से पचता है, धीरे धीरे पचाना पड़ता है, और इसको अगर पचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी यह मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर पचाना भारी पड़ जाता है, इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज़्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी पच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी पचा सकते हैं। तीन जगह का धन पचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी पचाना बड़ा कठिन है, कहीं से आएगा कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे, बड़ा कठिन है हमारा, बड़ा। थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हो नानी के घर का धन तो नाती पंती के लिए होता है, होता है मना नहीं है, पर अगर तुम लेकर आए हो जिद कर कर झगड़ कर लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ, नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो, तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज़्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, प्रयास करो। पचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खा कर आए हैं उसका पचपा। आप सबको मालूम है सात दिन की कथा में से चार दिन हम किसी से नहीं मिलते, और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे, यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई हैं, लता जी उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी हैं सीमा जी उनसे पूछिए, क्या गुरु जी इनसे मिले? आज तीन दिन हो गए आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो, क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना, हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन, और अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ, क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा, तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्य कर, भजन के बल को बढ़ा। किसी भंडारे में से भोजन कर कर जाओ तो भजन के बल को बढ़ाओ। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो
तो भजन का बल बढ़ाना, अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है तो अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे हम, अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे। कैसा भी करो पर करो। बहुत कठिन में पछता है हम, बहुत शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया ब्रह्मा जी को, देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया था देवऋषि नारद को, नारद जी से भी भगवान शंकर ने कह दिया था, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर इतना याद रखना ये किसी के पास जाकर मत बोलना कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर नारद जी नहीं माने, अपने अहम में डूबे थे देवऋषि नारद, अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। और देवऋषि नारद ने भगवान नारायण के पास जाकर कहा, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, जिस कामदेव पर शंकर भगवान विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त करी है। भगवान विष्णु के नेत्र से जल बह गया, जिस शंकर की आराधना मैं करता हूं उस शंकर की निंदा आज देवऋषि नारद के मुख से सुन रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, इन दोनों को पशु की योनि मिलती है, इन दोनों का पशु का मुख मिलता है। और हुआ देवऋषि नारद जी ने भगवान शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। हाय गिरी अवतार, कोई निंदा कर रहा है शंकर जी की, और एक और बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव खुद की निंदा सहन कर लेते हैं, शंकर खुद का अपमान सहन कर लेते हैं, पर शंकर अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। उसका जवाब तो मेरा देव अधिदेव महादेव देता जरूर है, थोड़ा देरी से देता है पर देता जरूर। शिव खुद के अपमान का जवाब भले ना देंगे, शंकर अपना अपमान सहन कर लेंगे, शिव अपना अपमान सहन कर सकते हैं पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उसका जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। समय आता है, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। प्रयास करिए, देवऋषि नारद को समझाया, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त करी पर यह बात मत बोलना। नारद मानने को कहां तैयार, उन्होंने जाकर बोल दिया भगवान विष्णु को कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने जीता, शंकर भगवान में इतना बल नहीं था जितना बल मुझ में था। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, तुम कितने बड़े भी धनपति बन जाओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी अपने धन का नशा मत बताना, कभी अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित मत करना। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी जो पुरुष होता है वो देखता है मौन रहकर, मेरे शंकर जैसा चुप रहकर धारण करते जाता है, धारण करते जाता है।
अगर तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो तुम ये केवल आडंबर कर रहे हो, केवल आडंबर। तुम ज्ञानी हो, तुम में बहुत ज्ञान है और तुम अगर उस ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो आडंबर कर रहे हो। दिखाना किसको चाहते हो, किसको बताना चाहते हो? तुम शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो, तुम शंकर भगवान की आराधना करते हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो। मेरा निवेदन है जी जी हो, मेरे जी जाओ, निवेदन है आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं एक महीने से मंदिर जा रही हूँ, कि मैं चार महीने से जा रही हूँ, कि मैं छह महीने से जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही हूँ। भगवान देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद दो कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा जो तू तेरे दरवाजे पर बुला रहा है। अगर ये शरीर बेकार हो जाता, लकवे जैसी बीमारी हो जाती, पेरालिसिस लग जाता, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई मालूम पड़े ट्यूमर जैसा हो जाता तो लोग पलंग पर पड़े देते, कौन तेरे मंदिर पर आता? भोलेनाथ जी से कहते रहे ना, बाबा इतनी कृपा बना कर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना। पलंग पर मत पटकना, जमीन पर मत पटकना, हॉस्पिटल में मत पटकना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, इस शरीर को चलाते रहना और तेरी चौखट पर बुलाते रहना। बाबा इस शरीर को दूसरे के अधीन मत करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपने कपड़ों को खुद पहन सकूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे ना पहनाए, ऐसी अधीनता मत देना। हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटक देना, कहीं किसी दशा में मत पटक देना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग में खुद कर, चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से कि भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे नजदीक में कथा हो। और अगर भगवान ने तुम्हें फोर व्हीलर गाड़ी दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, गाड़ी दी, पिकअप दी, मोटरसाइकिल दी, भगवान ने तुम्हें साइकिल दी, तुम भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी चार लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा कर कथा सुनाने के लिए लेकर जाऊं, ऐसी कृपा, ऐसी दया करना कि मेरी गाड़ी सत्संग के काम आए, ऐसी दया तू करना, ऐसी कृपा। बेकार शरीर किसी और अन्य काम में आए, झूठ बोलने में, कपट बोल करने में, छल बेईमानी में काम में आए तो क्या मतलब, क्या मतलब? शिव की भक्ति में मन लग जाए, शिव की आराधना। और किस्मत वाले हो, परतवाड़ा वालों, अभी अभी कथा 6 तारीख से चालू हुई है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलती है, 12 तारीख को विराम हो जाएगी। आज कौन सी तारीख हो गई, कितने दिन की कथा और बची है? 4 दिन। 12 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख से कुरुत छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। ये 12 तारीख को विराम होगी और 16 मई से छत्तीसगढ़ कुरुत में कथा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे। उस कथा का नाम हमने दिया गौरी शंकर शिवपुराण। वहां प्रारंभ मिले मौका अपने नजदीक में भगवान से कहना ये शरीर ऐसा बनाकर रखना तेरी कथा में पहुंचता रहे। एक पत्र है, पत्र थोड़ा लंबा ज्यादा है पर अच्छा है। योगिता शिवलाल सोजारे, मुकाम बागडोह, शहनूर पोस्ट पत्थरोट, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ ला सकती हैं। योगिता शिवलाल सोजारे, मुकाम बागडोह, शहानूर पत्थरोट, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? अच्छा दिख गए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए।
गुरु जी मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था चारों तरफ से, नौकरी भी नहीं और शादी भी नहीं हो रही थी। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ, मुझे थायराइड की गठान भी हैं, मेरा शरीर अचानक से चमड़ी सफ़ेद होना प्रारंभ हो गई और बड़ी तकलीफ में आ गया। शरीर में तकलीफ रहती, गठान अलग हो गई और चमड़ी भी सफ़ेद होने लगी। आपकी कथा मैंने मोबाइल पर सुनी और उसमें सुना कि भगवान के मंदिर में सफाई करने से शरीर का रोग ठीक होता है। मेरे नज़दीक में शिव जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी भी हैं। मैं मंदिर में जाती झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे शरीर का जो थायराइड की गठान थी वो भी गल गई और मेरा चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई गुरुदेव। पर वहाँ के किसी लोगों ने मंदिर के पंडित जी से कह दिया कि यहाँ पर एक महिला आती है और झाड़ू पोछा करती है, तो पंडित जी ने ताला लगा दिया और चाबी खुद रख ली। अब मुझे झाड़ू नहीं लगाने देते, पोछा नहीं लगाने देते। तब मैंने पंडित जी से निवेदन करा, पंडित जी मैंने सीओर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू पोछा करने से, सफाई करने से शरीर का रोग समाप्त होता है। पंडित जी मेरा थायराइड की गठान गल गई है और मेरे शरीर की जो सफ़ेद चमड़ी थी वो भी अपने असली रंग में आना चालू हो गई है, मुझे मंदिर में झाड़ू पोछा करने दो। तब पंडित जी नहीं माने, फिर मैंने निवेदन करा, बार बार विनती करी, तब गांव के लोगों ने भी उनसे निवेदन करा, तब पंडित जी ने चाबी देना प्रारंभ करी और मैंने झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ क्योंकि बाबा की कृपा से मेरी थायराइड की गठाने गल गई और मेरी जो चमड़ी सफ़ेद हो रही थी अब धीरे धीरे वो अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, बाबा ने मुझे ठीक करा, मैं बाबा को साधुवाद देती हूँ। आ जाओ बेटा। बता रही हैं जॉब के लिए कर रही थी वो भी बाबा ने सुन लिया, और शादी नहीं हो रही थी वो भी बाबा ने सुन ली, और शरीर में जो रोग था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यही शिव तत्व सम। अब निवेदन कर रही है, अब बस बाबा से प्रार्थना है मैं भी एक बार कथा करवा लूं, बाबा कराए संभव संभव। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। शिव आराधना जिसने दिल से कर, थोड़ा ये फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, इसको कम करने में समय लग सकता है, दुख बड़ा हो सकता है, पर मेरे बाबा धीरे धीरे उस दुख को काटते जरूर हैं, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, शिवभक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हाई गिरीवा उतार हो गए। रामचरितमानस में आता है नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा।
कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोग भोगना बहुत कठिन है। भोग भोगना कठिन है। अभी हमने कथा में कहा था कि तीन लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगले। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना कि कोई तुमको, वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता तो मालूम है कि काटेगा इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा, सावधान। कई 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 लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोटते भी आते हैं। यहां तो कुत्ता चेन नहीं चुरा ला, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा, पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि ये कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें छुरा घोप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, सावधान। बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है, वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोप कर जा सकता है। वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास करें। वाणी देवऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, निंदा कर दी, निंदा करते से ही उनको बंदर का मुख लग गया, भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया, क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठकर चल दो, हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा करा है कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा, शिव की कोई निंदा करे वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कह देते हैं तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं, हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो महादेव की नहीं। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए? हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले। ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुने, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते, और कोई करता भी है तो मां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है, मौन रहना, चुप रहो। समय आया, भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में,
देखिए कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने, शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे, बैठे दोनों हैं कथा सुनने के लिए, बैठे दोनों हैं कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवाधिदेव महादेव भी बैठे हैं तो सती माता भी बैठी है, कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है, शिव जी का मन तो कथा में लगा है पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो, बाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहां आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो इसलिए बाबा की कथा में पहुँचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता। सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गया। सती मैया का मन विचलित हो गया, चले कथा का नियम है, कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी कहां मुझे लेकर आए, शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में ये द्वीप वो द्वीप घूमने जाएंगे और मालूम पड़े शादी के बाद पत्नी घर पे और पति कह दे कि मेरे 25 दोस्त आ रहे हैं और तुझे खाना बनाना है, खाना बनाने वाली नहीं आएगी, तो पत्नी के दिल के अरमा आंसुओं में सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। अब मन लगे, एक नियम है शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है। अरे आपके यहां होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहाँ से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ। शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था तो सती माता को लेकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे, उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान के पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। अब पत्नी तो इतना सारा घूंघट डाल के बैठती है, पंडित जी इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इतने में पत्नी कोई
कोई भी क्रिया नहीं करी, तो इतने में पति ने उसको, क्योंकि हाथ में फूल लेके बैठी थी, अब इनको क्या मालूम था, वो तो लगी घूंघट के अंदर। इति श्री रेवाखंडे द्वितीय अध्याय। पत्नी पति से बोली, कितने हैं? पति बोला, पांच। पति को भी समझ में आ गया, शंकर भगवान की सती और मेरी श्रीमती ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे हैं। इसका मन भी नहीं लग रहा, कितना नहीं लग रहा। पर एक बात कहूंगा, इस पवित्र व्यासपीठ से जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी है, भक्तों ने, तब से मेरी नव युवक जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, इनमें शंकर जी की भक्ति का बल बढ़ा है। मेरी जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी युवान बेटियां हैं, इनमें भक्ति का बल बढ़ा है। पति अगर कहीं जाने का बोलता है तो सबसे पहले घर की बहुएं कह देती है, सीहोर चलें, उज्जैन चलें, काशी चलें, भीमाशंकर चलें, त्र्यंबकेश्वर चलें, ये भक्ति का बल है। अब बहुएं ये नहीं कहती कि हमको कहीं जाना, अब तो कहती हैं अपने काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन भी कर आएंगे, अवध की सरयू का स्नान भी कर, ये भक्ति का बल बढ़ा। इसको भक्ति का बल बढ़ा कहना। सती मैया मन नहीं लगा, सती मैया ने मन में सोच लिया, इससे तो अपने प्राण त्याग देती तो अच्छा था, अपने शरीर को जलकर भस्म कर देती तो अच्छा था। कुम्भज ऋषि ने विचार कर लिया, जो कथा में बैठकर मांगा है वही होता है। शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन मांगा था तो उनको राम का दर्शन हुआ, और सती मैया ने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात करी थी, इसलिए उनका शरीर अग्नि में, उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हुआ। जो मांगा था वो हुआ, जो मांगा। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े बहुत सबको बुलाया गया है, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा गया था, क्योंकि शंकर भगवान सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं कर पाए थे। अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाए थे, और ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं दे पाए, देख नहीं पाए थे, बैठे थे, सब उठ के खड़े हुए थे, शंकर भगवान तो अलमस्ती थे, बैठे थे। पर लोगों की भी आदत है ना, इतने सारे लोग जयराम जी की कर रहे, हर हर महादेव कर रहे, हाथ हिला रहे, इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे, इनको वो नहीं दिख रहा, जो प्रणाम नहीं कर रहा ना वो नजर आ जाता। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, उसको ये सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम करा और किसने नहीं करा, अभिमान जिसके भीतर हो। दक्ष प्रजापति को लग गया, यहाँ की आवाज बड़ा रिटर्न वाली, दक्ष प्रजापति को लग गया, और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं करा, श्राप दे दिया, मैं शंकर तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे, शमशान। मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास होगा। जो मौन है शमशान, जहां शिव का निवास है, शंकर मौन होकर बैठे रहते हैं।
दुनिया का व्यक्ति कहीं पर भी भटके, पर अंतिम विश्राम तो शंकर की गोद में ही मिलता है, शिव की गोद। अंतिम विश्राम शंकर की गोद ही है, शिव की। इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है, महाशमशान। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मनुष्य को अपने अंतिम पल का स्मरण करते रहना चाहिए, अंतिम पल का। अंतिम विश्राम है भगवान शंकर का द्वार। और फिर निवेदन करेंगे, जहां जितनी माताएं बैठी हैं, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, किसी से कुछ बोलो चाहे मत बोलो, पर इतना जरूर करना कि थोड़ी देर, दो क्षण, कहीं जहां पर कोई ना बैठा हो वहां तुम बैठकर दो क्षण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, और अपने दिल की बात बाबा से कहो, अपने मन की बात बाबा से कहो। एक लड़की बैठी है, बच्ची, रक्षा मनोज तिवारी, परतवाड़ा की रहने वाली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 19 साल की हूँ, कहीं बैठी हो, रक्षा मनोज तिवारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही है बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। गुरुदेव, 31 जनवरी 2023 को मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। गुरुदेव, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंख में, जब आंखों में दर्द हुआ, और आंखों में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, दिखाने पर मालूम पड़ा, हम जब डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे आंख में क्लॉटिंग जम गई है, जिसके कारणवश तुम्हारी आंखों की रोशनी में जो रेटिना है वहां दाग पड़ गया है, उसके कारण बस तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। धीरे धीरे वो दाग बढ़ता रहा, आंखों की रोशनी कम होती चली गई। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने में ये आंख इतनी तो ठीक नहीं होगी, हल्का हल्का जैसा दिखेगा वैसा ही तुम्हारी आंखों से दिखता रहेगा, क्योंकि अब ये आंखें पूरी समय ऐसी ही रहेगी। जब हमने सुना बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम पढ़ाई भी कर रहे थे, तभी हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते, मंदिर में ही उस जल को अपने आंखों पर लगा लेते, मंदिर में ही उस जल को अपनी आंखों पर लगा लेते, और सीहोर का रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष का जल हम पीना प्रारंभ करें। हम बाबा का धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो 2 महीने का बोले थे, पर 15 दिन में मेरे देवाधिदेव महादेव ने मेरी आंख की रोशनी वापस लौटाई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाओ, शिव कृपा। शंभु ओ घड़ी, अब ठीक है, नीचे की लाइन अच्छी लिखी है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसारे, मन हृदय से लगा।
लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो भोले अपने नर से अब तो ना टालो गिरी जा रही महादेव शमशान का निवास कर रहे हैं। समय बीता सती मैया जलकर भस्म हुई। क्रोध में देवाधिदेव महादेव ने केश तोड़कर बाहर फेंका वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रगण को भेज दिया जाओ पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दो। जब क्रोध आता है जब क्रोध चढ़ता है तब केवल सामने वाला व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कलकत्ता में कहा था आप लोगों से निवेदन किया था कलकत्ता में कि बेडरूम होता है ड्राइंग रूम होता है वॉशरूम होता है तो कंट्रोल रूम भी होना चाहिए जिसमें अपन क्रोध पर कंट्रोल कर सके। अपने गलत विचारों पर कंट्रोल कर सके अपनी गलत सोच पर कंट्रोल कर सके अपनी गलत वाणी पर अपन कंट्रोल कर सके एक रूम हो। वीरभद्र गए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी तो शिव है जिनका एक नाम है भोला आशुतोष। सरल सहज अगर कोई क्रोध भी करता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको क्षमा कर देता। सबने स्तुति करी भोलेनाथ बाबा शंभूतर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी हे शंकर करुणा करिए बाबा हे भोलेनाथ दक्ष प्रजापति जो यजमान है उसका सिर कट गया है अग्नि में गिर गया है आप कुछ करिए। शंकर भगवान आए और उन्होंने बकरे का मुंह लगाया। बकरे का मुंह लगाने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि दक्ष प्रजापति कह रहे थे मेरा यज्ञ मैं राजा मैं दक्ष प्रजापति जो बार बार मैं मेरा 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 करता है मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे प्रवचन में महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी तुम सब रोज आओ डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गया पत्नी को आवाज लगाई सुनती है पत्नी बोली क्या है पिताजी की अस्थियां रखी थी कहां है। पत्नी बोली तुम गंगा जी जा रहे हो। पति बोला तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता पिताजी की अस्थियां कहां है। पत्नी बोली वो लाल लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची पीसी और पीस के पूड़िया बांध ली। पत्नी बोली कहां जा रहे हो। पति बोला तू भी चल मेरे साथ और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया रुको महाराज प्रसाद खाओ और महाराज जी को जो पुड़िया दी महाराज जी ने पुड़िया खोली खोलने के बाद जो मुंह में डाली डालते सी वो तो हड्डी का चूरा था जैसे ही मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे ही चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो क्या खवाया। इतने में गांव का व्यक्ति बोला पिताजी की अस्थियां रखी थी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवाओ गंगा जी में खवाओ गंगा जी में खवाओ।
हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी इसी स्थान पर। प्रयास करो, मैं मेरा ये संबोधन ये ठीक नहीं है। इन संबोधनों से बचने का प्रयास करिएगा, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करो। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का मुख लग गया। अब बकरा स्तुति करे तो कैसे करे, तो ये जो बम बम भोले बोलते हो ना, ये सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने बोला था बकरे का मुंह लगने के बाद। अब बकरा हिंदी तो बोल नहीं सकता, परतवाड़ा के बकरे हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो। अब बकरा ना तो हिंदी बोलेगा ना अंग्रेजी बोलेगा, बकरा बोलता है तो बब 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 बोलता है, बकरे को सुनना वो बोले बब बब। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर लगा बकरे का, दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति करी, चिल्लाकर बोला बब बब बब। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे ससुर जी कितनी जोरदार स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया और वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम भोले भोलेगा, शंकर जी कहते मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। और कोई अगर स्त्री भी बम बम भोले बोलती है तो शंकर जी समझ जाते सास भी आई। बम बम बोलो बोलो जम के जरा एक बार हो जाए, बम बम बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर ओघड़ ओघड़दान। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहां माता पार्वती जी के सुंदर आनंद के रूप में जन्म ले, मेनावती के गर्भ से जन्म हुआ। मेना धन्या और कला, हमने पहले भी कथाओं में कहा है पितरों की तीन बेटियां हैं, हम पहले भी कथा में आपको बता चुके हैं, सुनिए ना कथा आप लोगों ने जम के बोलो सुनिए ना। पितरों की तीन बेटियां मेना धन्या और कला, मेना के यहां पर पार्वती मैया, धन्या सुनैना बनी जिनके यहां माता सीता, कला कीर्ति बनी जिनके घर में राधा जी का जन्म। तीन देवियां प्रकट हुई और ये तीनों देवियां जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई है, जगत कल्याण। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तीन देवियों का प्रागट्य। पितरों की तीन बेटियां मेना धन्या कला के यहां तीन देवियों का प्रागट्य होना, मेनावती की यहां माता पार्वती जी का प्रागट्य होना, और पार्वती जी को देखकर जन्म के समय पर देवऋषि नारद का आगमन होना। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण पर बड़े प्रेम से श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन।
मैनावती ने कह दिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। समझाया शिव जैसा अगर पति मिले तो क्या दिक्कत। शंकर भगवान की आराधना पार्वती जी ने करी और भगवान देवदिने महादेव माता पार्वती को पति के रूप में प्राप्त हुए। देखिए शिव कौन? विश्वास। पार्वती कौन? श्रद्धा। एक स्त्री का जिस पति के साथ में एक कन्या का विवाह हो रहा है उसके प्रति उसका विश्वास होना जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो वो संबंध बहुत समय तक टिकता नहीं। विश्वास मूल है। पार्वती जी ने शिव जी पर भरोसा करा। देवाधिदेव महादेव नंदी पर चढ़कर बारात लेकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती जी आ रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में पधारे। भगवान शिव जी के गले में माता पार्वती जी ने जयमाला दी है। भगवान शंकर ने पार्वती जी के गले में सुंदर जयमाला पहनाई है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान देवाधिदेव महादेव के मंगल विवाह का। प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है।
कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, 16 मई से 22 मई तक गौरी शंकर